रेलवे के लोको पायलट और एरोप्लेन के पायलट की सैलरी कितनी होती है और इन्हें क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, आइए जानते हैं। रेलवे में जब कोई नया नया लोको पायलट बनता है तो शुरुआत में मालगाड़ी चलाने को दी जाती है जिसकी सैलरी 25 से 35,000 है। फिर 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद इन्हें लोकल ट्रेन चलाने दिया जाता है जिसे इन्हें 35 से 50,000 महीना वेतन मिलता है। फिर 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद इन्हें एक्सप्रेस ट्रेन चलाने को मिलता है जिससे इन्हें 80,000 से 1,20,000 प्रति महीना वेतन मिलता है। अगर इनकी सुविधाएं की बात की जाए तो गवर्नमेंट जॉब के कारण इनकी पेंशन भी बन जाती है और इन्हें फ्री मेडिकल और जीवन बीमा मिलता है। अब बात करते हैं जहाज उड़ाने वाले पायलट की, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इनकी शुरुआती सैलरी 2 से 3 लाख पर मंथ है। प्राइवेट प्लेन उड़ाने पर इन्हें 2 से 4 लाख और कमर्शियल प्लेन उड़ाने पर 3 से 10 लाख रुपए पायलट को सैलरी दी जाती है। आपने इन दोनों में से किसमें ट्रैवल किया है कमेंट में बताएं।